नमस्कार, मैं चेतना, आलिशान गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है पाइन ट्री। देखिए, इसे चीड़ का प्लांट भी कहते हैं। ये हिल स्टेशंस का प्लांट है। ये जो हिल्स होते हैं उसके लोअर एरिया का प्लांट है, सोलन, शिमला, शिमला से नीचे एरिए हिल्स की जो लोअर बेल्ट है उस एरिया में ये प्लांट मिलता है। ऐसे ही देहरादून, मसूरी वगैरह, उसमें जो लोअर एरिया है वहाँ पे ये प्लांट मिलता है। कितना खूबसूरत प्लांट है, देखिए इसकी नीडल लाइक लीव्स, एक नेचुरल सा बोनसाई प्लांट बन जाता है। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। बेसिकली ये हिल्स का प्लांट है, लेकिन आजकल हम इसे प्लेन्स में भी लगाने लगे हैं, तो ये बड़े आराम से उग जाता है। अगर हम इसे ग्राउंड में लगाएं तो ये एक बड़ा सा ट्री बन जाता है, और गमले में भी लगाते हैं तो भी ये नेचुरली एक छोटे से ट्री का रूप ले लेता है। देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत प्लांट है। मैं भी बेसिकली सोलन से हूँ, उसी एरिया का ये प्लांट है, तो मुझे वैसे भी ये प्लांट से बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। हिल्स की मिट्टी जो होती है वो सप्पड़ मिट्टी होती है, उसमें ह्यूमस रिच होती है और उस मिट्टी में पानी टिकता नहीं है। इसी तरह आप जब इस प्लांट के लिए मिट्टी बना रहे होते हैं तो उसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड, और जो बाकी का हिस्सा है उसमें कंपोस्ट आ गई, देखिए कच्चा कोला आ गया, राख आ गई, धान की भूसी आ गई, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, हल्दी, फंजीसाइड, गोबर की खाद, घर की बनी खाद, जो भी है आपके पास, थोड़ा थोड़ा शेयर मिला के मिक्स करके अच्छी सी पोरस सैंड बनाए जिसमें आप पानी दें और टिके नहीं, नीचे गमले के छेद से निकल जाए। देखिए मेरे पास जो मिट्टी है इसमें मैंने अभी भी कच्चा कोला, ईंट का चूरा ये सब मिला रखा है, धान की भूसी मिलाई, और इसकी मिट्टी देखिए इसमें मॉइस्चर है लेकिन कीचड़ जैसी नहीं है, बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी। देखिए इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो इस प्लांट को पूरी धूप पसंद है, फुल सन में रखिए इसे तो ये बहुत अच्छे से चलता है। मैंने इस प्लांट को, अपने इस प्लांट को यहीं पे रखा हुआ है, देखिए इसी जगह पे रखा हुआ है। मई जून के महीने में भी ये यहीं था। यहाँ सुबह 9:30-10 बजे धूप आ जाती है और शाम को जब तक धूप रहती है तब तक ये यहीं रहता है सारा दिन, बिल्कुल ओपन में, और बड़े अच्छे से फ्लोरिश हो रहा है। देखिए मेरे पास ये वाला जब प्लांट आया था तो ये सिर्फ इसमें स्टेम था, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं थी, मतलब इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन आप देखिए ये कितना खूबसूरत हो गया। नई नई ब्रांचेस जगह जगह से निकल रही है, देखिए कितना प्यारा, और ये थोड़े से टाइम में और अच्छा सा हो जाएगा। अब हम इसकी वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इस प्लांट को मॉइस्चर लविंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी मिट्टी आप कीचड़ सी रखें। जब इसकी टॉप लेयर ड्राई हो जाए मिट्टी, तब आप इसे पानी दीजिए, उस टाइम आप इसे थोड़ा पानी दे दिए, इतना पानी कि इसके छेद से पानी निकल जाए, और दूसरी बार आप वाटरिंग तभी कीजिए जब इसकी मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखे आपको। मई जून के महीने में तो आप इसे 2 टाइम भी पानी दे दीजिए, सुबह शाम 2 टाइम, क्योंकि ये फुल सन में रहता है ये प्लांट, तो इसे पानी भी ज़्यादा चाहिए। अब हम इसकी फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो जब हम मिट्टी बना रहे हैं पहले तो हम वैसे ही रिच मिट्टी बनाते हैं, उसमें अच्छी कंपोस्ट वगैरह बना डालते हैं, इसलिए इसमें 2 बार साल में 2 बार फर्टिलाइज कीजिए, एक तो फरवरी में और दूसरी आप मानसून सीजन के बाद। और जैसे आप दूसरे प्लांट्स में कंपोस्ट भी देते हैं तो कभी कभी इसे भी दे दिए, इससे ये बहुत अच्छे हैप्पीली ग्रो होता है ये प्लांट। इसकी पेस्ट अटैक की बात करें तो इस पर कोई पेस्ट अटैक नहीं होता, फिर भी आपने अगर प्रिकॉशन साइड लेना, जैसे आप दूसरे प्लांट्स के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो इस पर आपकी मर्जी है, इस पर भी करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो इस प्लांट के ऊपर ये देखिए ऐसे ये लगते हैं, इसे हम किश्ते कहते हैं, वहाँ पे हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में तो इसे किश्ते कहते हैं। इसमें यहाँ पे इसके अंदर जो सीड्स बनते हैं, अब ये खुल चुका है, जब ये होता है तो ये ऐसे बंद कंडीशन में होता है और ये बड़ा हो जाता है, तो इसमें यहाँ पे सीड्स होते हैं और ये इसी ही नहीं सीड से ये एक प्लांट बन जाता है। आप इसको जब हम प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो इसी किश्ते को मिट्टी में दबा देते हैं, तो और वहाँ पे ये कुछ टाइम के बाद नए नए सीडलिंग, छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। हिल्स में ये दबे रहते हैं और अपने आप नेचुरल वे से ये प्लांट्स उगते रहते हैं। देखिए देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है।
ये नेचुरल वे में एक बोनसाई बना बनाया, छोटा सा ट्री। अगर आप इसे ग्राउंड में लगाते हैं तो एक बड़ा सा ट्री बन जाता है, लेकिन गमले में भी ये एक ट्री की तरह शेप ले लेता है। आजकल इसे लोग बहुत पसंद करने लगे हैं, घरों में लगाने लगे हैं, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये प्लांट अपने घर में जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, कोई कीड़े वाला पेस्ट अटैक भी नहीं होता। फुल सन में रखिए, बड़े आराम से लगाइए, बड़ा अच्छा फ्लोरिश होता है और अच्छा सा हेल्दी सा लुक देता है आपके गार्डन को। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।